गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अभी हम लोड के बारे में पढ़ रहे थे, तो जैसा कि हम देखे थे लोड में कि उसमें हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था डेड लोड, इम्पोज लोड। इम्पोज लोड का जो भी टाइप था वो सब हमने कंप्लीट कर लिया था। और नेक्स्ट जो था अपना विंड लोड था, और विंड लोड अभी हम फर्स्ट शुरू करेंगे। उसके बाद है विंड लोड के बाद आपका हो गया अर्थक्वेक लोड, उसके बाद आपका हो गया अर्थक्वेक लोड हो गया, उसके बाद आपका ये जो एक्सीडेंट जो हम बताए थे कि एक्सीडेंट तीन दो तीन टाइप का एक्सीडेंट होता है, जैसे कोलिजन हो गया, फायर हो गया, तो अभी हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो अभी हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विंड लोड, विंड लोड क्या होता है? जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि जो भी हवा के कारण लगने वाला लोड होता है वो विंड लोड हो जाता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है हॉरिजॉन्टली होता है। अगर हम ऐसा बोल दें, ऐसा भी ये बोल, अगर डायरेक्शन ना भी दे तो ऐसा थोड़ी कि हवा नीचे से आके, मतलब हवा जो भी, जैसे कि ये हाई राइज बिल्डिंग है, तो ये इतना याद रखिए विंड लोड ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ होता है, जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग होता है वहाँ पर विंड लोड कंसिडर किया जाता है। अब अगर हम ये आपका जीएल हो गया, अगर हम यहाँ पे स्टोरेज बनाएं, तो हाई राइज बिल्डिंग होगा तभी तो यहाँ पे आकर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा। अगर हम यहाँ पे छोटा सा इसके बिल्डिंग बना दें तो इस पर ऐसा नहीं कि इफेक्ट नहीं आएगा, आएगा बट उतना नहीं आएगा। हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि अगर एक जो ज़्यादा मतलब कि जितना ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग होगा ना उस पर उतना ज़्यादा विंड लोड का इफेक्ट आएगा, तो इसे मेरे ख्याल से लिखाने का कुछ पर्पस तो है, बनता नहीं है। तो सिंपली से अगर हम अगर लिखें तो सिंपल वे में हम लिख सकते हैं फोर्स एक्ट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली एंड ऐसे भी बोल सकते हैं इट ऑल्सो एक्ट अपॉन हाई राइज बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग क्या है ना, ये छोटे छोटे जो फॉर्म सॉरी छोटे छोटे जो ये स्टेप हैं इसको लिखाने से हमें नहीं लगता कोई मतलब है, क्योंकि ये लिखाने इसका मतलब है कि अपन टाइम किल हो जाएगा अपना। तो इसको अगर हम नहीं लिखाएं तो अच्छी और अच्छी बात है। तो अगर हम आगे इसका देखें तो इसके आगे अपना हो जाता है अर्थ क्यूक लोड, जिसे कि नाम से ही क्लियर है अर्थ क्यूक लोड। जो भी बिल्डिंग में दो टाइप का होता है, सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर। अर्थ क्यूक लोड क्या होता है? एक जो प्लेट होता है ना, अपना अर्थ क्या है एक प्लेनेट, अब प्लेट पे है जिसमें कि कुछ वेरिएशन आता है, जिसके कारण अर्थ के नीचे कुछ हीट के फॉर्म में जो वेव होता है वो जनरेट होता है, जिससे कि अपना अर्थ क्यूक आता है। और ये भी ज़्यादातर इफेक्टिव जो करता है हाई राइज बिल्डिंग पे ही करता है। आप कभी नहीं देखेगा कि कोई छोटा सा बिल्डिंग है, अगर आप कहीं अर्थ क्यूक आया होगा तो आप देखिएगा उसका जो फ़ोटो वगैरह जो आता है पेपर वगैरह में, तो आप उसको देखिएगा तो कभी भी कोई छोटा बिल्डिंग वो नहीं गिरता है, क्योंकि जितने बड़े बिल्डिंग होते हैं ना, क्योंकि उसका जो सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर जो होता है उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा उस पर पड़ता है। तो अगर हम ऐसे इसको अगर हम बोले तो बोल सकते हैं अर्थक्वेक जो होता है अगर जनरेट करता है सब स्ट्रक्चर पे, तो उसका जो सुपर स्ट्रक्चर है वो फिर डैमेज होने लगता है। तो इसमें हम कुछ लिखाएंगे नहीं, हम आपको बस डिक्टेट कर देंगे कि होता क्या क्या है। तो अगर आप फिर एक आगे और बढ़िएगा तो आगे आपका आ जाता है, एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट क्या है? एक्सीडेंट लोड्स में क्या है कि इसमें आईएस कोड 875 जो आपको हम बताए थे वही इसमें जनरली यूज किया जाता है। तो आप अगर एक्सीडेंट में देखिएगा तो इसमें कितने टाइप के एक्सीडेंट हो जाता है आपको, अभी जैसे कि अभी हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बताए थे, जो अभी एक क्लास है आज का, कि एक्सीडेंट लोड में कोलिजन हो गया,
फायर एक्सीडेंट हो गया, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीडेंट में कोलिजन देखेंगे। तो कोलिजन हम देखेंगे, तो भाई कोलिजन मतलब क्या होता है, दो चीज किसी भी दो चीज़ के आगे टकराना। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि कब कोलिजन होगा। अगर कोई ट्रक है, अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ले जाके उसको लिफ्टिंग करना है, वहाँ पे हो सकता है कोलिजन। या हम किसी भी चीज़ को किसी भी वेलोसिटी से उसको किसी भी वेलोसिटी से किसी चीज़ को हम ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोलिजन हो जाएगा। और कोलिजन कहाँ होगा, अगर किसी चीज़ को आप नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर जाए कहीं वो टकरा गया, वो कोलिजन हो गया। इसी में एक और आता है फायर एक्सीडेंट। तो फायर एक्सीडेंट कहाँ कहाँ होगा, तो फायर एक्सीडेंट कहाँ पे होगा, तो आप अगर कोई इंडस्ट्री एरिया में चले जाइएगा जहाँ पे वर्क होता है, वहाँ पे आग लगने का चांस ज़्यादा होता है। जहाँ पे आग लगने का चांस ज़्यादा होता है, तो उसमें भी अगर आप आग क्या है ना, आग अगर फायर एक्सीडेंट कहीं भी आप देखिए गाड़ी उड़ी, तो वहाँ फायर एक्सीडेंट के लिए एक से एक बड़े से बड़े टैंकर का पानी भर के जेट के फॉर्म में रखे रहता है, जिससे कि जैसे फायर का कुछ पता चला तो वो ले जाता है उसको, आग का बुझाने का काम करता है। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाइएगा या किसी भी बैंक वैंक में चले जाएगा, तो वहाँ पे देखिए एक बकेट में ड्राई सैंड जो होता है उसको रख रहता है। क्यों? क्योंकि फायर को कभी भी पानी से उसको कभी भी आप उसको चाहिए कंट्रोल कर ले तो ये मुश्किल है। ऐसा नहीं कि पानी से ही कंट्रोल, इसमें डिपेंड करता है कि फायर लगा कैसे। अगर पेट्रोल पंप पे आग लग जाए, कोई पानी से जाए कंट्रोल करने, तुरंत पूरा भभक के लग जाएगा। तो इससे क्या होता है ना कि अगर पेट्रोल पंप पे देखिएगा, तो कभी भी आप इतना एक बात याद रख सकते हैं फायर में, कहीं भी किसी भी पेट्रोलियम पदार्थ में अगर आग लग गया, या पेट्रोल पंप या कोई भी लिक्विड जिसमें फायर एक्सीडेंट हो गया, तो उसको कभी भी पानी से उसको नहीं उसको बुझाना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है ना, वो पानी जितना अगर उसमें फेंकेगा वो और तेज़ी में भमकेगा, क्योंकि पेट्रोल है वो फैलता है, या कोई भी वायली पदार्थ हो गया। हाँ, अगर आप मतलब कोई बिल्डिंग वल्डिंग हो गया उसमें, तो आप जेट फायर पंप का इस्तेमाल कीजिएगा ही, जेट फायर पंप का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे कि आपका जो फायर है वो बुझ जाए। तो अभी आप फायर का ये हो जाएगा। उसके बाद एक हो जाता है एक्सपोनेंशियल यानी कि ब्लास्ट जो कर जाए। मतलब कि अगर आप एज ए मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप किसी बॉयलर वॉयलर में काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि आप वहाँ पे बॉयलर हो गया या गैस प्लांट हो गया, ये सब में क्या होता है एक्सप्लोज मतलब ब्लास्ट, एक्सप्लोज करने का जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होता है उसका एक्सप्लोज करने का, तो ये सब भी एक्सीडेंट की कैटेगरी में आता है। तो आपको हम बता दिए कोलिजन हो गया, फायर हो गया, एक्सप्लोज हो गया, यही तीन होता है। और उसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है जो सारा लोड तो हम बता दिए, इसका आप क्या है ना जो लोड है उसका कॉम्बिनेशन क्या है, आपका पेपर में यूनिवर्सिटी पेपर में पूछ सकता है कि लोड कॉम्बिनेशन लिखे, तो उसका हम कुछ कॉम्बिनेशन आपको हम लिखा दे रहे हैं। तो अभी आप कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहे थे, तो इसमें जो लोड ऑफ कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि इसमें डेड लोड हो गया, डेड लोड प्लस विंड लोड हो गया, डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड हो गया, डेड लोड प्लस टेम्परेचर लोड हो गया, डेड लोड प्लस इम्पोज्ड लोड प्लस विंड लोड, डेड लोड प्लस विंड लोड प्लस टेम्परेचर लोड, डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड प्लस टेम्परेचर लोड, डेड लोड प्लस इम्पोज लोड प्लस विंड लोड प्लस टेम्परेचर लोड। फिर देखिए डेड लोड प्लस इम्पोज लोड प्लस अर्थक्वेक लोड प्लस टेम्परेचर, इतने सारे लोड ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं। तो अगर हम इस यहाँ पर अपना जो जितना भी लोड था वो सब ख़त्म हो गया, इसके आगे कोई लोड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इसके आगे लोड नहीं होता है, मतलब जो भी अपने को आएगा क्या लोड इसके आगे बताइए क्या होता है, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, विंड लोड हो, जितने भी सारे लोड हैं हम तो सब लगा ही दिए। अब हमें नहीं लगता कि हाँ एक और इसेंट ये इरो कौन सा लोड है, एक दो अगर छूट गया होगा तो कोई, लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई छूटा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जहाँ तक है कि लोड पूरा इसमें कंप्लीट हो गया है। तो अभी आपको हम आगे नेक्स्ट क्लास में पार्शियल फैक्टर के बारे में बताएंगे। अब इसमें ही मेरा बहुत छूटा हुआ है, इसे आपको हम शुरू में बताए थे
इसमें स्टील का प्रॉपर्टी बचा हुआ है, इसका एडवांटेज इसे एडवांटेज डिसएडवांटेज में आप सिंपल ये समझ लीजिए, एडवांटेज अगर सिंपल में समझे, इसका डिसएडवांटेज मेरे ख्याल से तो एक ही है कि ये बस हाई कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों नहीं होगा, अगर आपको कोई भी चीज़ क्विकली चाहिए तो वो तो आपको कॉस्टली मिलेगा है। कोई भी चीज़ आपको मतलब आगे अच्छा चले, उसका जो काम करने का क्षमता हो वो अच्छा हो, इसमें क्या है कि अगर आपका कोई पार्ट ख़राब हो गया तो उसको चेंज करने में बहुत सहायता मिलता है किसी भी पार्ट को, और कंक्रीटिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।